बार आए दोस्तों, तो यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और ये हमारा अपना और एक्सक्लूसिव एनालिसिस होगा और आपको फाइनल कंक्लूजन बताएंगे जो मॉरेटोरियम एक्सटेंशन को लेके जो चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, ठीक है। तो इस पे क्या चीज़ होने की संभावना है, क्या कुछ हो सकता है। और देखिए, कल के डेट में आपको हमने बताया भी था, एक्सक्लूसिव बताया था, जो मॉरेटोरियम एक्सटेंशन पे जो काफ़ी बहुत बड़ी अपडेट आई थी वो हमने उस पर डिस्कस किया था, ठीक है। जो मॉरेटोरियम एक्सटेंशन जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को बैंकों की तरफ से एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट आज के डेट में मिलने वाली है और मिल भी गई होगी और मिलने भी वाली भी है। आज ऐसे भी मीटिंग हो रही है, फ्राइडे है आज, और आज डेट कौन सी डेट है अब देखिए, हम आपके लिए अभी किस टाइम पे बना रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं। और ये करंट और आज का बिल्कुल नई वीडियोज है, फ्रेश वीडियो, 7:15 हो रहा है, फ्राइडे है, ठीक है, ये इंडियन टाइम्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज के लिए आप ये देख रहे हो, मैं बिल्कुल डेली हमेशा हर वीडियोज में कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन होती है, नई एनालिसिस होता है, नया जानकारी होता है। अब जब ये मॉरेटोरियम जैसे ये एक्सटेंड हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो आपने हमारे चैनल पे क्या क्या सीखा अभी तक, ठीक है। अब हम उसका हम फाइनल एनालिसिस करेंगे जो आपको हम लोगों ने कितनी सारी जानकारी दी, कितना कुछ आपको सीखने को मिला। अब इस वीडियो में हम आपको एनालिसिस करेंगे जो मॉरेटोरियम एक्सटेंशन का जो प्रोबेबिलिटी है, कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और आज जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी के साथ जितने भी बैंक्स हैं सभी का मीटिंग होने वाली है, तो इस मीटिंग फिनिश होने के बाद आरबीआई कितने दिन के अंदर मॉरेटोरियम एक्सटेंशन का निकाल सकती है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांसेस है, तो हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, जो कल इस वीडियो में हमने बताया था, जो कल के डेट में क्या बताया था हमने, जो जितने भी सरकारी बैंक हैं उनकी सीईओ जो हैं उनके साथ में वित्त मंत्री की मीटिंग होगी, आज के डेट में मीटिंग हो रही है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके बाद दूसरी अपडेट आई थी, जो बैंक्स लाइकली टू रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री टू एक्सटेंड मॉरेटोरियम पेमेंट मॉरेटोरियम, ठीक है। और उनके बाद एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है, जी बिजनेस भी काफ़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इन्होंने भी एक्सक्लूसिव निकाला, जो आरबीआई लाइकली टू एक्सटेंड लोन रिपेमेंट, मतलब इनके पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जो आरबीआई कंपनी के लिए बढ़ा चुकी है, कंपनी के लिए भी बढ़ा चुकी है, ये बढ़ाने वाली है, यदि कंपनी के लिए बढ़ सकती है तो आपकी आम जनता के लिए भी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए, डॉक्टर को कई सारे सिम्टम्स मिल चुके हैं बीमारी का, ठीक है ना, डॉक्टर को कई सारी बीमारी का सिम्टम्स मतलब लक्षण मिल चुका है। यहाँ पे डॉक्टर कौन है, समझ रहे बात को, तो अब पेशेंट ने बोला डॉक्टर से जो ये सारी बीमारी है, अब इस बीमारी का इलाज क्या हो सकता है, अब आप बताइए, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ पे सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आरबीआई भी स्पेशलिस्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी स्पेशलिस्ट है, बैंक भी स्पेशलिस्ट है, और बैंक को भली भांति मालूम है जो इसका ट्रीटमेंट, इसका जो इलाज है, इस इलाज में कौन सी मेडिसिन काम करने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको उस मेडिसिन, वो जो मेडिसिन का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं, वो मेडिसिन, वो वाली दवाई आपको मॉरेटोरियम एक्सटेंशन से मिलने वाली है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं, जो हम जो एनालिसिस करते हैं एक एक चीज़ का, तो वो आपको आपके ही लैंग्वेज में काफ़ी सारे एग्जांपल देके हम समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जो हो क्या रहा है, एग्जैक्टली जो सीन चल रही है फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर का एग्जैक्टली सीन क्या चल रहा है दोस्तों। कंपनी चलती है आदमी से, ठीक है, पीपल से, आम कस्टमर से, और कस्टमर के पास जब पैसा रहेगा, फंड रहेगा, तो ही वो कंपनियों का लोन दे सकता है, तो ही वो बैंकों का लोन दे सकता है, ठीक है। तो अब जब आप काम करोगे ही नहीं तो बैंकों का लोन कहाँ से दोगे, क्रेडिट कार्ड का बिल कहाँ से भरोगे, तो सब अब बात आ जाती है आपके ऊपर, ठीक है। तो अब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी प्रपोजल जा चुका है, ठीक है ना, आरबीआई के पास जा चुका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सभी बैंकों की रिपोर्ट्स हैं, सभी रिसर्च रिपोर्ट हैं, मूडीज की है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की है, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भली भांति मालूम है जो मॉरेटोरियम यदि हमने फर्स्ट टाइम दे दिया और हमने इधर लॉकडाउन भी बढ़ा दिया, ठीक है, जब मॉरेटोरियम पहली बार दे दिया तो
और उसके बाद यदि ख़त्म हो जाती लॉकडाउन अभी ये 17 तारीख को तो ख़त्म हो जाती, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो मोरिटोरियम एक्सटेंशन के लिए तो आपको मिला ही था। लेकिन अब लॉकडाउन भी जैसा कि आपको मालूम है बढ़ चुका है और कई सारे रिसर्च में भी खुलासा हो चुकी है जो RBI को ये बढ़ानी चाहिए और बढ़ाना होगा, ठीक है। SBI की भी एक रिसर्च थी, SBI रिसर्च इको रैप रिपोर्ट, ठीक है, जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। उनके बाद मूडीज़ की भी रिपोर्ट थी, मूडीज़ जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग जो निर्धारित करती है, बैंकों का हो गया, NBFC इन सब का हो गया, इन सब का एनालिसिस करती है डाटा, ठीक है। उनके बाद IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इनके भी मेंबर जितने भी बैंक्स मेंबर्स हैं इन्होंने भी RBI को बोला। या अब आप समझ सकते हो ना, जब आपको सारे तरह से फीडबैक मिल रहा है, सभी बैंकों से फीडबैक मिल रहा है, सभी एसोसिएशन से फीडबैक मिल रहा है, सभी रिसर्च एजेंसी से मिल रहा है, ठीक है, सभी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उधर से, मीन्स आपके पास फीडबैक पहुँच रहा है, ठीक है ना, जो आपके पास फीडबैक पहुँच रही है आपके पास का मतलब क्या, RBI के पास, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जब इतने सारे रिसर्च रिपोर्ट जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, फाइनेंस RBI के पास, तो जब आपको इकट्ठा इतनी सारी जानकारी जा रही है तो इन्हीं सब पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए ना आज के डेट में निर्मला सीतारमण जी बैठक ले रही हैं, मीटिंग ले रही हैं सभी बैंकों के CEO के साथ में, ठीक है। जो गवर्नमेंट बैंक है वो तो गवर्नमेंट के अंडर आती है, अब जब गवर्नमेंट जब एक बार डिस्कशन हो जाएगी तो फिर सभी के लिए मोरिटोरियम हो जाएगा। अब आप एक पॉइंट को देखना, जो हमने बताया था ना आपको इस मंथ के मई के 2 या 3 तारीख को बताया था, जो जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है ना, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं और प्राइवेट बैंक हैं, उन सभी का एक मीटिंग हुआ था 2-3 तारीख को। RBI ने मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में कौन कौन से सेक्टर का था, गवर्नमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव थे, प्राइवेट बैंक का एग्जीक्यूटिव था, सब ने उसमें मोरिटोरियम पे भी कौन कौन सी पॉइंट पे डिस्कशन हुई थी, हमने वो आपको बताया था, RBI की भी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है उस मीटिंग की डिटेल। तो अब देखो, एक तो स्टार्टिंग में ही RBI ने मीटिंग ले चुकी है गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक के CEO के साथ में, उसके बाद, और वही मीटिंग जो चीज़ हमने बताया आपको, जो वो उसके बाद ही मीटिंग होने वाली थी 11 मई को, ठीक है ना। अब इसमें देखना, अब ये देखो, यह बैठक इससे पहले कब होने वाला था, 11 मई को होनी थी, जो मीटिंग आज की डेट में ये हो रही है दोस्तों। अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, अब आप ये समझो, जो हमने आपको बताया था 2 या 3 मई को, जिस डेट में यानी 2 या 3 मई के डेट में जो मीटिंग हुई थी RBI का बैंकों के साथ में, सभी बैंक उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक भी था। अब उसके बाद RBI ने जब मीटिंग ले ली सबके पास साथ में और उसका फीडबैक फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंच गया, ठीक है, तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये मीटिंग लेना था कब, 11 मई को लेना था। जब 11 मई को ये मीटिंग लेनी थी और ये मीटिंग बढ़ के हो गई है आज के डेट यानी 22 तारीख को हो गई, तो अब देखो, अब यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो दो या तीन मई को, चलो मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ कौन सी डेट में हुई थी मीटिंग, ठीक है ना, जो हमने वीडियो भी बनाया था वो शायद 2 या 3 को देख लेना आप, ये छोटी सी बात है, ठीक है। अब ये देख, मेन पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कैसे रिपोर्ट पहुंची, जो 2-3 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसका फीडबैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंच चुका है, ठीक है, जो सभी बैंक ये बैंकों को ये चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। तो अब देखो, ये घोषणा तो पहले ही हो जाती यदि अभी ये लॉकडाउन एक्सटेंशन वाले सीन नहीं होता और इतने सारे सिचुएशन नहीं क्रिएट होता, तो RBI तो 2-3 तारीख के बाद ही यानी 10-12 तारीख तक डिक्लेयर कर देती, लेकिन वो हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका दोस्तों, तो उसके पीछे रीजन है। अब ये देखो, यही जो 11 मई को मीटिंग होने वाली थी, यही मीटिंग अब आज के डेट में हो रही है, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हो, जो 2-3 मई को जो RBI के साथ सभी बैंकों का फीडबैक पहुंचा है और मीटिंग में इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मीटिंग हुई थी, अब वो फीडबैक उसका जो रिपोर्ट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पहुँच गया, तभी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 11 मई को मीटिंग रखी ना बैंकों के साथ में। अब जो मीटिंग 11 मई को होने वाली थी वही मीटिंग आज 22 तारीख को होने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब जब इतना सारा कुछ हो रहा है
तो अब इसका कंक्लूजन पे, अब जो टाइम है दोस्तों, अब फाइनल रिजल्ट पे है। आपको एक प्रॉब्लम को, काफ़ी लंबा प्रॉब्लम है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया, और काफ़ी होते होते अब फाइनल रिजल्ट पे आ चुका है, कंक्लूजन पे अब आ चुका है। ठीक है, अब रिजल्ट निकलना बाकी है, तो अब जो है आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, हो सकता है। ठीक है, तो आज जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी, तो जो इंटरनल रिपोर्ट बैंकों के पास, बैंकों की जो रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, RBI के पास भी है, अब फाइनल गवर्नमेंट का मुहर लगना उस पे बाकी है। ठीक है, और इसका ढांचा भी तैयार हो चुका है, किस तरह से होगा, कौन कौन सी सेक्टर का कस्टमर होगा जिनको ये मोरिटोरियम एक्सटेंशन मिल सकता है, क्या उसको मिलेगा जिन्होंने पहले मोरिटोरियम ले रखा है, क्या जिन्होंने पहले मोरिटोरियम ले रखा है उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं, जब ये एक्सटेंशन हो जाएगी तो फिर हम आपको उसमें एनालिसिस करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट एनालिसिस किया जो RBI की एक्सटेंशन वाला जो पार्ट है। ठीक है, और कई सारे हम आपको प्रूफ भी रखे, डेट भी रखे हम, और किस टाइप से एक्सटेंशन हो सकता है उनका भी हमने बताया इस वीडियो में एनालिसिस करके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब आप खुद समझ सकते हैं, जो आपके लिए भी मोरिटोरियम एक्सटेंशन आ सकती है, आ रही है बहुत ही जल्द। आज जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी, तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो है मीडिया रिपोर्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मीडिया रिपोर्ट्स के बाद अब आपको भी, लोगों को भी मालूम चल जाएगा, और सबसे पहले अर्लीवुड पर आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें, वो भी हम एनालिसिस करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल के, पूरा पोस्टमार्टम होगा वर्ड का। ठीक है, जितने भी वर्ड किसी भी लाइन में लिखा रहता है तो उसका, उसके पीछे का रीजन होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है वो। ठीक है, जब तक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ऐसे नहीं लिखा जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी पसंद आया होगा। ठीक है, और अब आप समझ सकते हो, जो आप लोगों को मोरिटोरियम एक्सटेंशन की जो डिक्लेरेशन है वो, यानी आज है फ्राइडे, ठीक है, और फ्राइडे और कल सैटरडे, तो ऐसे भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में और ज़्यादातर गवर्नमेंट में वर्किंग जो है सैटरडे को कम रहती है। ठीक है, तो यानी सैटरडे और संडे दो दिन पर गया, और फिर जो है ये सारी चीज़ों को कंपाइल करने में एक दिन का तो कम से कम टाइम लगेगा ना, जब फाइनल मुहर लग जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो मंडे को तो रखो आप, मंडे को तो ऐसे ही रह जाएगा, तो फिर आपको ये सोच के चलना ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, यानी मंगलवार या बुधवार तक, आप लोगों को मंगलवार या बुधवार तक या उससे पहले किसी भी टाइम पे मोरिटोरियम एक्सटेंशन की आपको जानकारी मिल सकती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट RBI कर सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा अपना मानना था, हमारा अपना एनालिसिस था, आप भी आप एनालिसिस करना चाहो किसी चीज़ का तो आप कर सकते हो। ये हमने अपना पॉइंट रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और हम ये सारा एनालिसिस किसके आसपास हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, ये सारा एनालिसिस जो है हमने किया मोरिटोरियम एक्सटेंशन और मोरिटोरियम से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में किया हमने। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारा एनालिसिस, और आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं सभी वीडियोस पे, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले दोस्तों, आपको मोरिटोरियम एक्सटेंशन और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग आने वाले, जैसे ये 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, तो हम लोग उनमें से आप लोगों के लिए अराउंड 100+ जो सब्सक्राइबर होगा, या कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर के लिए कुछ बहुत ही खास चीज़ हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।